हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंखा का कनेक्शन कैसे करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, पंखे में से तीन वायर निकले, कैपेसिटर से दो वायर। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है? कनेक्शन करने के पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि कौन से वायर क्या चीज़ का है। तो सबसे पहले पंखे के अंदर चलेंगे। पंखे में दो कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का जो एक वायर होता है, सेकेंडरी कॉइल का एक वायर को लूप करके एक वायर बाहर निकालते हैं, जिसे कॉमन वायर कहते हैं। इसमें देख सकते हैं जो ग्रीन वायर है जो कॉमन वायर है, और ये दोनों वायर है जो एक प्राइमरी कॉइल का है, एक सेकेंडरी कॉइल का है। अब जो कॉमन वायर है उसको कैपेसिटर का एक वायर से कनेक्शन कर देंगे। जो कैपेसिटर का दूसरा वायर है, तो अब देखिए दोनों वायर हैं, दो वायर इधर, पंखा एंटी क्लॉक वाइज घूमता है। अगर हम इससे कनेक्शन करेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, इससे कनेक्शन करेंगे तो येल्लो वाला से क्लॉक वाइज घूमेगा। तो पंखा एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, तो हम रेड वाला से कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन हो चुके हैं। अब जो कॉमन वायर है उसको साइड कर देंगे। अब ये दो वायर निकला। अब इसको लाइन में कैसे कनेक्शन करें? अब एक फेज न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल वायर है दोनों में से किसी में कनेक्शन कर सकते हैं। ये दोनों में कनेक्शन कर दिए। देखिए कनेक्शन हो गया। एक कॉमन वायर है, ये दोनों प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का वायर है। अब इसमें लाइन देके देखते हैं चलता है कि नहीं। देखिए ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पंखा जो चलने लगा, इसी प्रकार का वो कनेक्शन करना है। देखिए चल रहा है। हेलो गाइज, वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।